हाय, दिस इज सोनू सिंह, मेंटेनेंस सुपरवाइजर क्वेश्चन आंसर वीडियो सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट आ चुका है, जिसमें पहले पार्ट में हमने बताया है कि मेंटेनेंस सुपरवाइजर का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन होना चाहिए एंड उन्हें क्या क्या करना होता है। अगर आप फ्रेशर हैं या कुछ भी पता नहीं है तो आप ये वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। इसके बाद दूसरे पार्ट में सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हमने बात किया है, क्योंकि कभी भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले आपसे सेफ्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे ही जाते हैं, क्योंकि रिफाइनरी का एक रूल है जिसे कहते हैं सेफ्टी फर्स्ट। तो इस वीडियो को आप भी आसानी से देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो सीरीज के तीसरे पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इक्विपमेंट से रिलेटेड सबसे पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉमन इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन अ रिफाइनरी, यानी रिफाइनरी के अंदर मुख्य रूप से यानी ज्यादातर कौन कौन से इक्विपमेंट यानी उपकरण होते हैं। तो यहां पर आपको जितने इक्विपमेंट का नाम याद हो उसका नाम बता सकते हैं, जैसे डिस्टिलेशन कॉलम या फिर जिसे टावर भी कहते हैं, वेसल्स, रिएक्टर्स, एक्सचेंजर्स, फिन फैन, पंप, कंप्रेसर, हीटर, टैंक, वाल्व, पाइपिंग, इन सारे में से किसी का भी नाम आप बता सकते हैं। अगर इतना नाम भी आपने बता दिया तो काफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, यानी आपसे शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर के टाइप्स के बारे में पूछा जा रहा है जो ज्यादातर यूज होता है। सो आंसर इज फिक्स्ड ट्यूब शीट टाइप। इस तरह के हीट एक्सचेंजर में जो ट्यूब बंडल होता है वो फिक्स होता है। फ्लोटिंग ट्यूब शीट टाइप, इस तरह के हीट एक्सचेंजर में हम ट्यूब बंडल को आसानी से बंडल पुलर या फिर चैन ब्लॉक अरेंजमेंट की मदद से बाहर निकाल सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। एंड देन यू ट्यूब बंडल, इसे आप देख कर ही आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि यह यू शेप में होता है। तो मेनली यानी ज्यादातर शेल एंड ट्यूब में यही तीन प्रकार के हीट एक्सचेंजर उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, यानी शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स के नाम आपको बताने होते हैं। तो आप बता सकते हैं जैसे कि शेल, ट्यूब, ट्यूब शीट, बैफल्स, टाई रॉड, चैनल हेड, चैनल कवर, फ्लोटिंग हेड, गैस्केट। अगर इन सब में से आपने इतने नाम भी बता दिए तो काफी है। बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो पार्ट्स ऑफ हीट एक्सचेंजर का एक वीडियो है जो कि आप हीट एक्सचेंजर वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाइड्रो टेस्ट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इन द फिक्स्ड ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर, यानी जो फिक्स्ड ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर होता है उसमें कितने हाइड्रो टेस्ट की आवश्यकता होती है। सो आंसर इज टू टेस्ट, यानी जो फिक्स्ड ट्यूब शीट वाले हीट एक्सचेंजर होते हैं उनमें केवल दो टेस्ट की जरूरत होती है, दैट इज शेल टेस्ट एंड ट्यूब टेस्ट, उसमें फाइनल टेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। ओके, देन अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाइड्रो टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इन द फ्लोटिंग ट्यूब शीट एक्सचेंजर, यानी जो फ्लोटिंग ट्यूब शीट एक्सचेंजर होता है उसमें कितने हाइड्रो टेस्ट होते हैं। सो आंसर इज थ्री टेस्ट, पहला शेल टेस्ट, देन ट्यूब टेस्ट एंड देन फाइनल शेल टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ब्लाइंडिंग, यानी ब्लाइंडिंग क्या है, लाइक ब्लाइंडिंग को स्पैडिंग भी कहा जाता है। सो आंसर इज पॉजिटिव आइसोलेशन ऑफ इक्विपमेंट बाय प्रोवाइडिंग द ब्लाइंड्स इज नोन एज ब्लाइंडिंग, यानी ब्लाइंडिंग के द्वारा हम किसी भी इक्विपमेंट का पॉजिटिव आइसोलेशन करते हैं,
पॉजिटिव आइसोलेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी फ्लूड या प्रेशर वगैरह उस इक्विपमेंट में है उसे हम आइसोलेट कर देते हैं, यानी उस रास्ते को हम एक तरह से बंद कर देते हैं ताकि उस इक्विपमेंट का मेंटेनेंस आसानी से हो जाए, और उसके बाद हम फिर से डीब्लाइंड करके उस इक्विपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हॉट बोल्टिंग, यानी हॉट बोल्टिंग क्या होता है। सो प्री सर्विसिंग ऑफ बोल्ट्स एंड नट्स वन बाय वन एज पर सीक्वेंस इज नोन एज हॉट बोल्टिंग। मेनली हम लोग किसी भी फ्लांज का हॉट बोल्टिंग करते हैं, वैसे हीट एक्सचेंजर का भी हॉट बोल्टिंग होता है। ये इसलिए किया जाता है कि जब भी हमारा एक्चुअल में काम हो, यानी जब भी हमारा मेंटेनेंस का वर्क हो, तब नट बोल्ट को खोलने में ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए पहले से ही नट बोल्ट का सर्विसिंग कर दिया जाता है, जिसे हम हॉट बोल्टिंग भी कहते हैं। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने एक पहले की वीडियो में बताया है कि हॉट बोल्टिंग का मतलब होता है लीक को बंद करना, यानी आपका फ्लांज में कहीं पे लीक है तो उसके नट बोल्ट को टाइट करने की प्रोसेस को भी हॉट बोल्टिंग ही कहा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर कोई भी नट बोल्ट डैमेज हो, अगर आपको पता चलता है सर्विसिंग के दौरान, तो आप उस नट बोल्ट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द स्ट्रेनर इज जनरली फिटेड, यानी जो स्ट्रेनर होता है हमारा उसे ज्यादातर कहां इस्तेमाल किया जाता है, कहां यूज किया जाता है। सो आंसर इज एट द पंप सक्शन, यानी स्ट्रेनर का ज्यादातर पंप के सक्शन पर यूज किया जाता है, जिससे पंप के अंदर कुछ ना जा पाए, नहीं तो पंप डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द जनरल टाइप ऑफ स्ट्रेनर, यानी ज्यादातर किस प्रकार के स्ट्रेनर का यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि दो प्रकार के स्ट्रेनर का यूज किया जाता है, जो कि वाई टाइप एंड बास्केट टाइप स्ट्रेनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बफिंग, यानी बफिंग क्या है। सो आंसर इज क्लीनिंग द वेल्डिंग ज्वाइंट्स यूजिंग बफिंग मशीन फॉर इंस्पेक्शन इज नोन एज बफिंग। यानी बफिंग एक प्रकार का क्लीनिंग प्रोसेस है, जो कि ज्यादातर वेल्डिंग ज्वाइंट्स पर किया जाता है, जिससे उस ज्वाइंट का इंस्पेक्शन आसानी से हो सके। देखिए, इससे पहले हमारी दो वीडियो आ चुकी है मेंटेनेंस क्वेश्चन आंसर सीरीज पर, लेकिन आप लोगों का कोई भी उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ पा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको इस सीरीज की उतनी जरूरत नहीं पड़ रही है। फिर भी मैं ये तीसरा पार्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आगे हमें और भी जरूरत है, तो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज समझ में आ रहा है, तभी अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो शायद ये सीरीज अब यही हमें खत्म करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी होगी। इसको अब आप ही आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए हम एक छोटा सा अपना टारगेट रखते हैं, अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो हम बहुत ही जल्दी आगे पार्ट को लाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर इस वीडियो पर 5000 व्यूज और 500 लाइक्स आ जाते हैं, तभी हम अब आगे के पार्ट को शुरू करेंगे, नहीं तो मजबूरन हमें इस सीरीज को बंद करना होगा। अब चाहे आप इसे एक दिन में कंप्लीट कर दीजिए या फिर एक महीने में, तो इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और कुछ ना समझ में आए तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कहीं भी दिक्कत हो, अगर हमारे काम में कहीं दिक्कत हो, आपको किसी क्वेश्चन आंसर में दिक्कत हो, समझने में प्रॉब्लम है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं कि आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाए। तो अगला पार्ट अब आपके हाथ में है, कितना जल्दी आप लोग अगले पार्ट लाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।